8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के लिए सरकार की खास स्कीम, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं कामयाब, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं महिलाएं। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साल 2020 का वो दौर आ चुका है जब महिलाएं हर फील्ड में अपनी खुद की पहचान बना रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं को भी और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार कई बड़े कदम भी उठा रही है। मोदी सरकार का उद्देश्य है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसीलिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं लॉन्च की, तो चलिए बताते हैं उन योजनाओं को जो खासकर महिलाओं के लिए चलाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की थी। ये योजना गर्ल चाइल्ड योजना एक छोटी बचत योजना है। इसे केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। ये स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है। इसके अनुसार आप बचत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना का लाभ आप किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर आया। इस योजना को कमजोर वर्ग के परिवारों की महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए राहत की सांस बनकर आई यह योजना गरीबी रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आने वाले हर परिवार के लिए है। इस योजना के तहत इन परिवारों को सरकार घरेलू रसोई गैस यानी कि LPG गैस का कनेक्शन देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 अप्रैल 2015 को निर्भया फंड के साथ शुरू हो गई यह योजना एक सामाजिक अभियान है। ऐसे अभियान का प्रमुख लक्ष्य है कि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को दूर किया जा सके और युवा भारतीय लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। महिला शक्ति केंद्र योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2017 में लॉन्च की गई यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है। नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार स्कीम की शुरुआत 1999 में की गई। यह पुरस्कार उन पीड़ित महिलाओं के लिए है जो समाज के लिए अच्छा काम करती हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का है। इस पुरस्कार की स्थापना करने के पीछे केंद्र सरकार का भारत की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और उनके प्रति सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करता है। यह पुरस्कार खास करके उन महिलाओं को दिया जाता है जो विशेष रूप से कमजोर और पीड़ितों के हालातों को जीत कर कुछ हासिल करती है। आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। आज शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बाकी होगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो। उम्मीद है कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं कामयाबी के क्षेत्र में और भी ज्यादा परचम लहराएंगी। दिल्ली से पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए सृष्टि की रिपोर्ट।